भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर बीसीसीआई ने अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया है। बीसीसीआई ने बताया है कि जडेजा के दाएं घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है। उनके जगह टीम में शामिल किए गए अक्षर पटेल पहले ही रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ थे और जल्द ही दुबई में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान और हांगकांग को हराने के बाद एशिया कप के सुपर चार में पहुंच चुकी है। वहां उसका मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान से होना है। पाकिस्तान अगर हांगकांग को हरा देता है तो वह भारत से सुपर चार में खेलेगा। एशिया कप में रविंद्र जडेजा शानदार लय में थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 ओवर में 11 रन दिए थे और बल्ले के साथ 29 गेंद में 35 रन की अहम पारी खेली थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ हर शतकीय सेदारी कर भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला था और जीत की तहलीज पर ले गए थे। इस मैच में उन्होंने एक अहम मैच कैच भी पकड़ा था। वहीं दूसरे मैच में हांगकांग के खिलाफ जडेजा ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। इसके अलावा उन्होंने एक शानदार रन आउट भी किया था। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो प्ली अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन वो भी दबा दीजिए और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा दे रखा है। और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।